12 से 13 हजार रुपये में कोई स्मार्टफोन लेना है, काफी कंफ्यूजन है। और आज हम इस वीडियो में लेके आया है iQOO Z9X, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। इसका कंपैरिजन लावा स्टॉर्म के साथ, ये दोनों ही फोन 12 से 13 हजार रुपये में आपको देखने को मिल जाएंगे। पर इन दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीच टेक पर। और आज हम बात करने वाले हैं iQOO Z9X वर्सेस लावा स्टॉर्म। तो लेट्स चेक इट आउट। इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस 12 से 13 हजार रुपए है। पर प्राइसिंग की बात मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्राइस पर कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट स्टार्ट कर लेते हैं हम बिल्ड और डिजाइन से। बिल्ड और डिजाइन में पीछे की तरफ आप देख सकते हो स्मार्टफोन का साइज काफी सिमिलर है, कलर भी बहुत ही सिमिलर है। बस कैमरा का डिजाइन है जो कि आपको यहाँ पर iQOO में देखने मिल जाएगा, जो कि एक स्क्वेयर कैमरा कटआउट बनाते हैं और उसमें दो कैमरा डालते हैं आईफोन स्टाइल में। और यहाँ पर आपको लावा का जो है सैमसंग स्टाइल देखने मिल जाएगा, जहाँ पर ये तीन कैमरास को वर्टिकली अलाइन करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लावा का डिजाइन देखने मिल जाएगा। इन हेल्थ फील्ड की बात करें तो लावा हल्का सा पतला है एज कम्पेयर टू iQOO, पर दोनों ही फ्लैट साइड्स के हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा एर्गोनॉमिक्स आपके दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इसके पतले होने से इसको एक हल्की सी एडवांटेज देखने को मिल जाती है। बात करें बैक पैनल की, तो iQOO में आपको जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक देखने को मिलता है, और लावा में आपको जो बैक पैनल है वो ग्लास देखने को मिलता है, जिससे इसकी प्रीमियम फील हल्की सी बढ़ जाती है। फ्रेम दोनों में प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ पर जो है कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बिल्ट में iQOO को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर इसके अंदर आपको वाटर स्प्लैश रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी, मतलब पानी के थोड़े बहुत छिड़काव से इसे कुछ नहीं होने वाला, पर पानी में भिगोना मत। अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस की। तो iQOO के अंदर आपको सामने की तरफ 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को जाती है, जो कि आईपीएस एचडी पैनल और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आती है। यहाँ पर लावा की डिस्प्ले भी आपको 6.78 इंचेस की, जी हाँ, iQOO से हल्की सी बड़ी है, पर फोन पकड़ने में लावा ज़्यादा बढ़िया लगता है, बिकॉज थोड़ा सा स्लिम है, ये हल्का सा वाइड फॉर्म फैक्टर है। तो डिस्प्ले में 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले आपको लावा में भी देखने को मिल जाएगी, फुल एचडी प्लस के इसमें भी देखने को मिलेगी, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप एचडीआर कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो एचडीआर आप दोनों स्मार्टफोन में कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एचडीआर सपोर्ट नहीं करते। उसके अलावा डिस्प्ले की अगर बात करें तो iQOO डिस्प्ले ट्रू टू लाइफ है, प्लस इसकी जो ब्राइटनेस है वो एज कम्पेयर टू लावा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आउटडोर में यूज़ करने में iQOO में ज़्यादा मज़ा आता है। जबकि लावा की डिस्प्ले हल्का सा इसका ड्रॉबैक है कि जो इसकी डिस्प्ले है ओवर शार्पन और ओवर ब्राइट करती है, मतलब ब्राइट नहीं वाइब्रेंस बढ़ा देती है। तो उससे क्या होता है, कई लोगों को हो सकता है कि लावा की डिस्प्ले पसंद आए, जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा वाइब्रेंस और ज़्यादा शार्पनेस पसंद आती है। पर अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रू टू लाइफ चीज़ें एक्चुअल जो है वो देखना चाहते हो, तो आप iQOO वाली डिस्प्ले की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। और साथ साथ अगर हैप्टिक्स की बात करें तो लावा के अंदर जो आपको वाइब्रेशन मोटर मिलती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उससे आपको फीडबैक काफ़ी अच्छा आता है, जबकि iQOO वाली जो वाइब्रेशन मोटर है वो सूदिंग है। तो अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे हो और उसमें अगर आप हैप्टिक्स ऑन रखते हो तो आपको अच्छा फीडबैक iQOO से मिलेगा, पर कॉल्स वगैरह अगर आप वाइब्रेशन चाहते हो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आए, ताकि आपको पता लग जाए कि स्मार्टफोन में कॉल आ भी रही है नहीं आ रही, तो उसके लिए लावा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर की। तो iQOO के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको फंटा चॉइस देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही हैवी स्किन है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड। तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील कहीं पर भी कुछ खास ज़्यादा देखने को मिलेगी नहीं। हर चीज़ जो आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेटिंग खोल ली या कोई भी ऐसा पेज है, हर चीज़ के अंदर आपको एक कस्टमाइजेशन अलग से देखने को मिल जाएगी, जिसमें लावा के पास एक एडिशनल फीचर आ जाता है, जो कि स्वाइप करके आप यहाँ से ऐप्स एक्सेस कर सकते हो। iQOO की फ्रंट टच ओएस होने से इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारी ऐप्स देखने को मिल जाएगी, जिससे आपकी मल्टीटास्किंग काफ़ी आसान हो जाती है। पर आपको iQOO में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आती है, जबकि लावा के अंदर अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। थोड़े बहुत आपको ऊपर से लगेगा कि लावा ने कुछ ना कुछ स्किन वगैरह कुछ लगा रखी है, पर उसके अलावा लावा में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ही क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर कोई ब्लॉटवेयर भी नहीं आता, केवल एक लावा केयर नाम की एक एप्लीकेशन आती है, उसके अलावा इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। और सॉफ्टवेयर में लावा के फोर्स में काफ़ी कमाल की बात है कि आप गूगल डायलर की जगह अगर आप लावा वाला डायलर यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो जिनको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए वो डेफिनेटली लावा वाले स्मार्टफोन की तरफ चले जाइएगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की।
परफॉर्मेंस के स्पेसिफिकेशन तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही तगड़े प्रोसेसर देखने मिल जाते हैं जो कि इस बजट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपको लावा के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 देखने मिलता है और आईको Z9X में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने मिल जाता है। ये दोनों ही प्रोसेसर कमाल के हैं और इनके एंटीटू स्कोर्स भी काफ़ी तगड़े हैं। पर रियल लाइफ टेस्ट की बात करें तो रियल लाइफ टेस्ट के अंदर रैम मैनेजमेंट अगर की हम बात करें तो वो हमारी लावा की थोड़ी सी बेटर है, जिसमें जो ऐप्स है वो बैकग्राउंड में ठीक से सपोर्ट कर देता है। वो ज्यादा अगर आपने पुरानी ऐप ओपन कर भी ली है तो हो सकता है वो मेमोरी में रह जाए, जबकि आईको थोड़ा सा एग्रेसिव है, वो बैकग्राउंड ऐप को किल करता है ताकि आपकी बैटरी को ज्यादा बचा सके। गेमिंग में आपको दोनों में मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, और अगर आप वैसे ओवरऑल रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आपको दोनों स्मार्टफोन में मोर और लेस सेम देखने मिलेगी। और दोनों स्मार्टफोन में जो हम टेस्ट कर रहे हैं 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाती है, और दोनों में ही आपको रैम बूस्टर्स भी देखने मिल जाएंगे, तो आपको वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जो इसके अंदर स्टोरेज है दोनों के अंदर ही UFS 2.2 देखने मिल जाएगी, तो आपको कोई मेजर डिफरेंस परफॉर्मेंस में नहीं देखने को मिलेगा। डे टू डे लाइफ में आपको दोनों स्मार्टफोन में कोई डिफरेंस नहीं पता लगने वाला है कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो, और परफॉर्मेंस के बेस पे इन दोनों स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरास की, तो कैमरा स्पेसिफिकेशन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें आईको के अंदर आपको मेन कैमरा 50 MP देखने को मिल जाएगा विद अपर्चर f1.8, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 MP का डेप्थ सेंसर है। यहाँ पर लावा का एक हल्की सी एडवांटेज आ जाती है, जिसमें इसका मेन कैमरा तो 50 MP का ही है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने मिल जाएगा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो आईको का जो फ्रंट कैमरा है वो 8 MP का है और लावा का जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इनके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की बात करें तो आईको में यहाँ पे काफ़ी तगड़ी एडवांटेज है, जिसके अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी एट 30 FPS, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती, वो अलग बात है, पर आपको 1080p में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लावा स्टॉर्म के अंदर आपको कोई भी 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, ना ही बैक कैमरा में ना ही फ्रंट कैमरा में, और आपको 1080 में 60 FPS में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। ये बैक कैमरे पे वॉक कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको स्टेबलाइजेशन का पता लगेगा, मेरे हिसाब से तो काफी स्टेबल और काफी बढ़िया फुटेज आ रही है। और ये लावा के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है और ये 1080p में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो एक बार आप चेक करके मुझे कमेंट कर बताइएगा किसकी वीडियो बढ़िया लगी। तो बात की अगर डे टाइम के अंदर, तो डे टाइम के अंदर दोनों ही कैमरास काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, डायनेमिक रेंज को भी ठीक बैलेंस कर लेते हैं, शार्पनेस भी और कलर्स भी। हालांकि आईको के कलर्स हल्के से ओवर ब्राइट और स्किन टोन हल्की सी ब्राइट दिखाई देती है, क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन उस तरह से है कि आपकी स्किन को स्मूथ दिखाया जाए, जबकि लावा के कलर्स स्टॉर्म के काफ़ी अच्छे आते हैं और क्लोज टू एक्यूरेट कलर्स आपको लावा में देखने मिल जाएंगे। बात करें अगर आर्टिफिशियल लाइटिंग की, तो आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी केस सेम रहता है, पोर्ट्रेट में नॉर्मल में कहीं पे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता। एक बात मैंने नोटिस करी कि आईको Z9X के अंदर आपको जो आउटडोर में पोर्ट्रेट्स देखने को मिल रहे थे, पहली बात तो ओवर हीट होने की वजह से ज़्यादा पोर्ट्रेट्स नहीं मिल पाए, और जो एक दो मिल रहे थे उसके अंदर हेयर के पास कटआउट थोड़ा अजीब था, जो कि लावा के अंदर बेटर दिखाई दिया। इंडोर लाइटिंग के अंदर जैसे कि आप इस कंडीशन में देख सकते हो, इसमें रेड लाइट मेरे एक साइड से फेस पर आ रही थी और हमने पोर्ट्रेट मोड फोटोज ट्राई करी थी। यहाँ पर आईको ने कलर्स को काफ़ी अच्छा बैलेंस किया, क्योंकि रेड कलर को जनरली सारे कैमरा अच्छी तरह नहीं निकाल पाते, जबकि लावा ने वही जो रेड में बेड़ा गर्क होता है वो प्रॉपर यहाँ पर करके दिखाया है। और कटआउट भी इंडोर लाइटिंग कंडीशन के अंदर आईको का ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लावा। बात करें वीडियो की, तो कुछ वीडियो सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दिल्ली कड़कती धूप में, आंखें नहीं खुल रही है, और पूरा घुमा के दिखा देता हूँ ताकि आपको डायनेमिक रेंज का आइडिया लग जाए कैसी डायनेमिक रेंज है। सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने से आ रही है, तो यहाँ तो बढ़िया दिख रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा खासा नहीं है, ये बैकलिट हो गया तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ओवर एक्सपोजर वगैरह करता है या डायनेमिक रेंज कैसी है। और ये हमारा आईको वाला है, इसकी डिस्प्ले में मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूँ क्योंकि इसकी आउटडोर ब्राइटनेस बेटर है एज़ कम्पेयर टू लावा, और इस तरह से आपको डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल सूरज मेरे यहाँ पे है और आँख पर बहुत तेज़ धूप लग रही है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है, आँखें खुल भी नहीं रही है, बहुत तेज़ धूप है। और आपके लिए डायनेमिक रेंज टेस्ट करने आए हैं हम दोस्तों, लाइक कर दो। अभी बात करते हैं बैटरी की, आईको Z9X में आपको बैटरी 6000 mAh की देखने मिल जाती है, यहाँ पे लावा स्टॉर्म के अंदर आपको जो बैटरी है हल्की सी कम 5000 mAh की देखने को मिलती है। और इन दोनों के साथ जो फास्ट चार्जिंग सप्लाइड है आईको के अंदर, आपको लावा से ज्यादा 44W की फास्ट चार्जिंग देने मिल जाती है, जो कि काफी कमाल की बात है। और बैटरी ऑब्वियसली आपको आईको Z9X की बेटर देखने मिल जाती है। दो तीन रीजन है, सबसे पहले तो इसकी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है तो चलेगी ज्यादा,
44 वाट के पास चार्जिंग है, चार्ज भी जल्दी हो जाएगी। और इसका जो प्रोसेसर है, जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है, एक तो वो 4 नैनोमीटर बेस्ड है, तो आपकी बैटरी एफिशिएंट हो जाती है सेमीकंडक्टर जो होते हैं। सेकेंडली जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी बैटरी बचाता है। तो बैटरी बैकअप में आईकॉस N9X काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है और आपको वहाँ पर कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि लावा सोम के अंदर आपको अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है 5000 mAh की, और वहाँ पर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आसानी से देखने को मिल जाएगा अगर आप लाइट यूज कर सकते हो तो। हो सकता है नेक्स्ट डे तक भी एक्सटेंड कर दो उसे। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छा चीजों की। तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, जो कि जैसा कि आप देख सकते हो काफी बढ़िया वर्क करता है। दोनों स्मार्टफोन का काफी फास्ट है और काफी रिस्पॉन्सिव है। और बात करें अगर स्पीकर्स की, तो आईकू के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर एक स्पीकर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और दूसरा आपका ईयरपीस एक स्पीकर की तरह एक्ट करता है। और लावा में आपको केवल बॉटम वायरिंग स्पीकर्स ही देखने को मिल जाएंगे। और अगर स्पीकर्स की बात करें तो आईकू के हल्के से बेटर है, लावा के लाउड है, पर आईकू के हल्की से जो साउंड क्वालिटी है वो हल्की से बेटर है। दोनों स्मार्टफोन 5G है, बैंड्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। दोनों स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे 5G बैंड्स देखने मिल जाएंगे। और फोन क्लैरिटी की अगर बात करें तो दोनों में ही बराबर देखने मिल जाएगी। हालांकि नॉइज कैंसिलेशन हल्की सी लावा में बेटर देखने मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आप सामने तरफ देखोगे ऊपर की तरफ तो आपको एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने मिल जाता है, जिससे थोड़ी सी नॉइज कैंसिल आउट हो जाती है और सामने सुनने वाले को आपकी आवाज थोड़ी बेटर सुनाई देती है। और लावा को एक और एडवांटेज देखने मिल जाती है, जिसमें लावा के अंदर आपको 2 सिम स्लॉट देखने मिलते हैं और एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने मिल जाता है, जबकि आईकॉस N9X में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने मिलता है, मतलब या तो एक सिम डाल सकते हो या फिर एक माइक्रो एसडी कार्ड। तो अगर बात करें प्राइसिंग की और कंक्लूजन की, आपको कौन सा लेना चाहिए, तो लावा स्टोन का प्राइस 12,000 rupees है, जिसके अंदर आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाती है। जबकि आईकू के अंदर अगर आपको 8GB रैम और 128GB ये इंटरनल स्टोरेज चाहिए, तो आपको 16,000 rupees स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप केवल जो इसका लोएस्ट मॉडल है, जो कि 13,000 rupees का है, वो लेना चाहते हो, तो उसमें आपको केवल 4GB की रैम देखने को मिल जाएगी। और एज कम्पेयर टू 8GB रैम वो काफ़ी कम हो जाती है और आपको डे टू डे टास्क में मल्टीटास्किंग में इशू आ सकता है। आप इसके अंदर 6GB रैम वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि 14,500 rupees का है। उसमें आपको अमेजोन पर 500 rupees डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और 1,000 rupees कार्ड डिस्काउंट। तो ये स्मार्टफोन का प्राइस 13,000 rupees आ जाता है विद कार्ड डिस्काउंट और अमेजोन ऑफर। और ये स्मार्टफोन में भी आपको 1,000 rupees डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो लावा स्टोन भी आप 12,000 rupees में ले सकते हो। ये दोनों स्मार्टफोन कमाल के हैं, दोनों में से आप कोई भी पिक कर लोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है। बस हल्का सा ध्यान रखिएगा, जिसको डिस्प्ले में एक्यूरेट कलर्स चाहिए वो आईकॉस Z9X की तरफ जा सकते हो। अगर डिस्प्ले के कलर थोड़े वाइब्रेंट चाहिए तो लावा स्टोन की तरफ चले जाओ। उसके अलावा मोर और लेस दोनों स्मार्टफोन अगर मोटा मोटी बात करें तो सेम से है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और दोनों ही स्मार्टफोन के बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अब वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मैं मिलूंगा ऐसी और कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।